हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू चैनल में। चैनल पर नया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरा नया नया चैनल है। यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको ये वाली नोज ज्वेलरी का वीडियो लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी ड्रेस की मैचिंग है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये ईयरिंग्स है जिसको कि मैं नाक में पहनकर दिखाने वाली हूँ। और ये मैं छठ पूजा में ख़रीदी थी। हमारे यहाँ मेला लगता है और मेले में काफ़ी कुछ मिलता है, ईयरिंग्स मिलते हैं। तो ईयरिंग्स को देख करके मैं सोची इसको नाक में पहना जा सकता है और इसको मैं ख़रीद ली। ये 10 या 15 रुपए की पड़ी थी, बहुत ज़्यादा महंगी है नहीं। और इसको मैं नाक में देखिए पहन रही हूँ किस तरह से। यहाँ पे इस ज्वेलरी के अनुसार ही मैं यहाँ पे साड़ी को सेलेक्ट करी हूँ और ब्लाउज को भी सेलेक्ट करी हूँ। और उसी तरह ये पूरा जो ज्वेलरी और ड्रेस है सब कुछ मैचिंग हो गया, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए, अगर जैसे होता ना कि हमारा कोई ड्रेस है, कुछ ज्वेलरी वगैरह मैच नहीं कर रही है, तो आप ईयरिंग्स को भी अपने नोज़ ज्वेलरी में शामिल कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको पहन कैसे रही हूँ, इस तरह से मैं घुसा दी हूँ। अब दोनों को ना सटा देना है, मतलब ये दूर दूर है ना, इसको पास में कर देना है इस तरह से। पास में जैसे ही ये दोनों सट जाते हैं, वैसे ही ये नोज़ ज्वेलरी अच्छे से खूबसूरत नाक में दिखने लगती है। पहनना ही केवल काफ़ी नहीं होता है, कोई भी नोज़ ज्वेलरी उसको अच्छे से एडजस्ट भी करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे तो ये खुशी कैसे आपको दिखेगी। तो ये एडजस्ट हो गया नाक में और अब ये लग रहा है कि हाँ, ये नोज़ ज्वेलरी है। ऐसे खड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका एक जगह है जो वहाँ रहने पे ही सुंदर दिखेगा। तो इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी की है, जैसे ये ड्रेस वगैरह पहनना, मेकअप करना है ना। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई अगर आपका रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के सुझाव की वजह से ही बहुत सारे जो यूट्यूबर है ना, वो इतनी ऊंचाई तक गए हैं। तो मुझे भी ऊंचाई तक जाना है ना, तो आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखिए, जिससे वॉच टाइम मेरा जल्दी हो जाए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर मैं बालों में कोई भी हेयर स्टाइल नहीं की हूँ, बालों में कोई हेयर स्टाइल ना करते हुए सिंपल मैं बालों को रखी हूँ इस तरह से। और बालों को यहाँ पे मैं बांध लूँगी, क्योंकि इस टाइप से तो और भी हेयर स्टाइल आप देखे ही हैं, लेकिन आज मैं सिंपल ही जूड़ा रखूँगी, जो कि मैं हमेशा घर में किए रहती हूँ। इस तरह से बालों को मैं यहाँ पे बांध ले रही हूँ। और जूड़ा गजरा कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको बस सिंपल ही रख रही हूँ। यहाँ पे फोकस यानी कि जो ध्यान देने वाली बात है वो है मेरी नोज़ ज्वेलरी की, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मैचिंग मैं यहाँ पे आई शेडो भी लगाई हूँ, तो टोटल मिला करके मेरा जो लुक है वो सिंपल में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसी ड्रेस के साथ मैं और कुछ नया लुक क्रिएट करूँगी अच्छे ज्वेलरी के साथ, तो वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको साड़ी का पल्ला भी लेकर के दिखा दे रही हूँ कि खूबसूरत कितना ज़्यादा लगता है। जानते हो, आप लोग अगर ध्यान देते होगे, अगर आप लोग भोजपुरी मूवी देखते होगे, तो उस मूवी में जो हीरोइन लोग होती है ना, या फिर जो महिलाएं होती है उसमें शामिल होती है, सुंदर सुंदर देखे होंगे, तो बहुत से लोगों को मैं देखी हूँ ना कि जो कान में पहन जाती है उसी को नाक में पहन लेती है, और थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, और उसके साथ साथ उसमें ना कुछ लटका झटका रहता है, जिसकी वजह से और भी नाक खूबसूरत लगता है। क्योंकि देखिए, झारखंड और बिहार की परंपरा ही ऐसी है कि जब तक आप कुछ ऐसा ना पहने कि कुछ नाक में दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि नाक में कुछ दिखाई, शहर थोड़े हैं। शहर में क्या होता है ना कि शहर में लोग एकदम छोटा छोटा पहनते हैं, जो दिखे ही नहीं, नाक में नथिया हो चाहे नोज़पिन हो, एकदम छोटा पहनेंगे, बस हल्का सा दिखे। लेकिन हमारे जो झारखंड बिहार है ना, शादीशुदा महिलाएं ये नहीं काम करती हैं। वो लोग क्या करती हैं, ऐसा चीज़ करती हैं, वो ऐसा पहनती हैं जो काफ़ी अच्छा लगे, बड़ा लगे, जो दूर से ही लोगों को दिखे। चटक चटक कलर पहनती है और अच्छा सा ज्वेलरी भी पहनती है, बड़ा सा ईयरिंग्स, बड़ा सा नोज़ पिन या फिर नोज़ रिंग, ये सब कुछ है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है।
ये है मेरा नया चैनल, और देखते रहिए मेरा नया चैनल पे नया नया वीडियो। और अगर आपको और भी नोज ज्वेलरी की वीडियो पसंद है तो आप एक और मेरा चैनल है, पुराना चैनल, जो कि नाम है लव गोल्ड रूपा रानी, आप उस चैनल पे आइए। आपको वहाँ पे तो ढेर सारी वीडियो मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे तो नोज ज्वेलरी की वीडियो का खदान है एकदम, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा। ये मेरा न्यू चैनल है, और न्यू चैनल मैं डाली हूँ, सोच रही हूँ इस पर केवल नोज ज्वेलरी की ही वीडियो आए। तो आप लोगों का कमेंट होना चाहिए कि मेरे वीडियो में क्या कमी है और क्या अच्छा होना चाहिए, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किए हैं तो, मैं कब से बोल रही हूँ सब्सक्राइब करने, प्लीज़ कर लीजिए। और यहाँ पे ना मैं जो लिपस्टिक है ना, लिपस्टिक और बिंदी मैं लगाई थी रेड कलर, डार्क मरून कलर था, लेकिन जब मैं फ़िल्टर वगैरह चुन रही थी ना तो ये पिंक हो गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लिपस्टिक का कलर कितना अच्छा लग रहा है, वैसे ये फ़िल्टर की वजह से पिंक दिख रहा है, मैं लगाई हूँ मरून। तो चलिए, ये तो नोज़ ज्वेलरी है जो कि मैचिंग बहुत सुंदर लग रही है, और ये क्रिस्टल है एक तरह से, जब इसमें मैं रोशनी डाल रही हूँ ना तो काफ़ी ये अच्छा शाइन कर रहा है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी मेकअप भी कर रखी है। और अगर आपका कोई कमेंट हो ना कि इस टाइप की वीडियो बनाई जाए, तो वो भी मैं बना करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा आप मुझे बता सकते हैं, और जो ख़राब लगा है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ये नोज़ ज्वेलरी मैं ख़रीदी थी जब अपने झारखंड गई थी छठ पूजा में, वहाँ पे मिल रही थी काफ़ी कुछ नोज़ ज्वेलरी, ईयरिंग्स मिल रही थी, तो मैं वहाँ पर जितने भी नोज़ पिन या नोज़ रिंग जितने भी मिल रहे थे ना, मैं सारा खरीद ली थी एक एक पीस 5-5 रुपए की, क्योंकि वहाँ बहुत सारे थे और मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा लेना था, तो मैं काफ़ी सारा ख़रीदी थी। और धीरे धीरे वीडियो बनाते बनाते इसका जो समय है ना, नवंबर से लेकर के अभी, बताइए अभी मई महीने में आया है, तो आज मैं वीडियो बनाई हूँ। वैसे जो मेरा पुराना चैनल है लव गोल्ड रूपा रानी, उस पर तो ढेर सारे वीडियो अपलोड हैं, उस वक्त जितने भी मैंने नोज़ पिन या नोज़ रिंग खरीदे थे। और बनाते बनाते देखिए मई महीना आ गया है, और आज भी मैं आप लोगों के लिए बना करके दिखा रही हूँ। और देखिए अब तो मैं पहन ली हूँ, अब मैं आपको इसको ना खोल कर भी दिखाऊँगी कि इसको खोलना कैसे है। और देखिए इस तरह से अगर आप पहनते हो ना, बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो गया है नाक में, बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं, बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं। नाक में पहनने के बाद ये नाक और भी ज़्यादा खूबसूरत ही लग रही है, कोई ख़राब नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको आप साड़ी के साथ पहन सकती हैं, लहंगे के साथ भी पहन सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप झारखंड बिहार के हो तभी पहनोगे, आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं आप इसको पहन सकती है, क्योंकि इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट में फिर से बोल रही हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब।